हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं इस स्टॉक की। सो ऊर्जा ग्लोबल शेयर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैंने आप ही के मोटिवेशन के लिए एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला है जो कि मैंने खुद ट्रेड लिया था। आप एवरेज प्राइस देख सकते हो मेरा और ये कहाँ तक गया है वो आप प्राइस देख सकते हो जहाँ मैंने एक्चुअली में प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक, सो इसके बाद मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था अराउंड 24 या 25 के आसपास। तो आप देख सकते हो कि इसने 3 गुना रिटर्न्स दिए मुझे। 7.5 रुपये से जो 23-24 रुपये चला गया वो 3 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न है। एंड इसके बाद इसने कितने के हाईज लगाए थे मैं वो अभी आपको दिखाऊंगा। सो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि बेस्ट स्विंग ट्रेड एवर। ये जो मेरा आज तक का स्विंग ट्रेड था ये सबसे ज़्यादा बेस्ट था। एंड ये जो फोटो है ये एक्चुअली इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरीज में लगाई थी एंड ये हाईलाइट में पड़ी हुई है। अगर आप लोग को चेकआउट करनी है कि ये रियल है कि नहीं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स का वहाँ पे स्क्रीनशॉट है कि मैंने कितना प्रॉफिट कैसे उनमें अर्न करा है, तो मैं यहाँ पे कहीं उसका नाम दे दूंगा मेरे अकाउंट का, तो आप जाके चेक कर सकते हो और चाहना तो फॉलो कर लेना ऐसे ही अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात करने के लिए। ओके, सो ये रहा ऊर्जा ग्लोबल का चार्ट। एंड क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि मैंने इसे कहाँ पे बाई करा होगा? मेरी जो एवरेज प्राइस था वो था 7.55, बट मैंने इसको लिया किस जगह होगा? आप अगर गेस कर सकते हो तो मुझे नीचे बताना कि मैंने कहाँ इसे बाई करा होगा। ऑल राइट, वैसे जिसने मेरा स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो देखा होगा वो जानता होगा, और जिसने नहीं देखा है मैं उसके लिए यहाँ पे लिंक छोड़ दे रहा हूँ। एंड अगर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही हो सो आई एम सो सॉरी, बट एक्चुअली मेरा माइक इस समय ख़राब हो गया तो मुझे फ़ोन के ही माइक से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है वीडियो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मेरी जो एवरेज प्राइस थी वो थी 7.55। ठीक, तो मैंने उसे बाई करा था इसी एरिया में कहीं, एंड कहाँ बाई करा था ये आपको नीचे कॉमेंट्स में मुझे बताना है। और उसके बाद इसने हाईज कितने के लगाए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे एग्जिट करा था इस स्टॉक को। मैंने एग्जिट करा था अराउंड यहाँ पे। ये जो आप इतनी बड़ी लॉन्ग कैंडल देख रहे हो ना, ये उस दिन रेड कैंडल थी नीचे, उसके बाद जाके ये ग्रीन में क्लोज हुई थी, तो मैंने यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया था विच इज़ अराउंड 22.5 के आसपास। ठीक, अब आप देखो कि ये कहाँ तक गया है। आप इसका हाई देखो, इसका हाई था अराउंड अराउंड 34 रुपीज़। ठीक, ये था इसका हाई। और अगर मैं 7.5 से 34 तक इसको अगर होल्ड करे रहता विच इज़ अराउंड अराउंड 5 टाइम्स रिटर्न्स। ठीक है, सो 5 टाइम्स इसने कर दिया था मेरा पैसा। अगर मैंने इसमें 1 लाख डाला होता तो वो 5 लाख हो चुका होता। ठीक, 5 लाख प्रॉफिट हो चुका होता गेन। जो 1 लाख था वो तो मेरी कैपिटल थी, तो टोटल हो जाता 6 लाख। ठीक, तो यही मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की पावर बताना चाहता हूँ, और आप वो वाला वीडियो देखना और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ आज हम लोग इस स्टॉक के बारे में बात करने वाले लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे से, और क्या इसे अभी ले सकते हैं कि नहीं, एज अ स्विंग ट्रेड भी अभी इसे ले सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट में देख लेते हैं कि हुआ क्या है। तो एक आपको जो ये दो लाइंस दिख रही होंगी यहाँ पे, ये मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ये इसका एक सपोर्ट जोन है। ठीक, क्योंकि यही इसका पहले रेजिस्टेंस था, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ आया था फिर यहाँ आया था, तो ये दो रेजिस्टेंस थे। एंड इसका जो काफ़ी पुराना एक रेजिस्टेंस था वो भी यही इसी लेवल का है। यहाँ आप देख सकते हो कि डबल टॉप बनाया था, उसके बाद नीचे फॉल करा था। एंड जब ये लिस्ट हुआ था तब भी ये यहीं कहीं लिस्ट हुआ था, एंड ऊपर इसका यही रेजिस्टेंस बना था जहाँ ये लिस्ट हुआ था, एज यू कैन सी। ठीक, तो ये काफ़ी पुराना चार्ट भी मैंने आपको दिखा दिया, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी पुराना रेजिस्टेंस है इसका। ठीक, नाउ उसने ये ब्रेकआउट कर दिया एंड अब ये नीचे आ रहा है इसे रीटेस्ट करने के लिए। तो हम लोग को पता नहीं होता कि रीटेस्ट सफल होने वाला है या नहीं, तो हम लोग से रीटेस्ट पे आते ही बाई नहीं करना चाहिए हम लोग को। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इसने 50 EMA को भी सपोर्ट नहीं करा, वहीं से लोअर हाई बना के वापस नीचे ड्रॉप हो गया। अब ये आया है 200 EMA पे। अब मैक्सिमम लोग आपको क्या बताएंगे कि आप चलो यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई है, अब सर्किट लगने वाले हैं इसमें, तो अभी बाई कर लो। हो सकता है सर्किट लग जाए, हो सकता है हम लोग के हाथ से छूट जाए, लेकिन आपको क्या पूरा भरोसा है कि ये ऊपर जाने वाला है कल से? जो इस समय हालात चल रहे हैं रशिया यूक्रेन के, क्या आपको लग रहा है कि ये ऊपर भाग जाएगा सीधे सीधे? बाकी सब स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं और ये ऊपर चला जाएगा। तो जब तक पूरी कंडीशन सही नहीं हो जाएगी मार्केट की, तब तक किसी में बुल रन आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट स्टिल आप बाई कब कर सकते हो? जब ये ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट दिखे। एक प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए इस ट्रेंड लाइन का, और मैं इसे तब ज़्यादा बाई करने की कोशिश करूंगा जब ये यहाँ से उठ के वापस 200 EMA पे आता है और यहाँ पे डबल बॉटम जैसा पैटर्न फॉर्म करता है। ठीक, अगर आने वाले टाइम में ये डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्म करता है, देन आई कैन बाय इट फॉर अ स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड। एंड मेरे जो टारगेट्स रहेंगे वो काफ़ी मिनिमल टारगेट्स रहेंगे। मैंने उस समय भी 5 टाइम्स नहीं सोचा था, मैंने ये सोचा था कि सिर्फ डबल हो जाएगा। राइट, तो अगर यहाँ पे हम लोग 14-15 पे बाई करेंगे तो हम लोग का टारगेट रहेगा अराउंड 25। ठीक, उसके बाद आपको ट्रेल करना होगा। ये मैंने स्विंग ट्रेड का बता दिया, एंड अपना जो आप स्टॉप लॉस रखना वो भी आपका अच्छा खासा रहेगा, जो कि बिलो 9 रुपीज़ के आसपास रहेगा। ठीक है, तो 9 आपका 4 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड अराउंड 12-12 रुपये का आपका टारगेट हो जाएगा। तो 1:3 का ट्रेड है ये, एंड ट्रस्ट में अगर ये ऊपर गया तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। नाउ आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। ठीक, तो फंडामेंटल्स तो हम लोग को कंपनी का प्राइस देख के ऑलरेडी पता चल रहे होंगे, फंडामेंटल्स इसके इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाले, बट स्टिल एक बार इसके फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं।
सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे इसका नाम दिख रहा होगा आपको एंड यहाँ इसका प्राइस और आज का मूवमेंट दिख रहा होगा। एंड आज का मूवमेंट सारे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा था, इसलिए इसका भी आपको +5% दिख रहा है। तो ये मत सोचना कि ये अलग ही एक रेस में जा रहा है, बाकी पूरा मार्केट नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज मार्केट में रिकवरी दिखी थी, इसलिए इसमें भी रिकवरी है। नाउ थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। अब इसका आप मार्केट कैप देख सकते हो, विच इज 733 करोड़। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, पीई पे आप नजर डालोगे तो आपकी आंखें ही घूम जाएंगी, क्योंकि पीई देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे आप नहीं सोच सकते हो कि इसका पीई बहुत कम होगा। एंड जो अच्छी कंपनीज है जिनका पीई कम है, उसे आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक, अब हम लोग थोड़ा और आगे आते हैं। पहले एक देख लेते हैं कि इसका जो बुक वैल्यू है वो एक्चुअली में इसके प्राइस के भी बहुत ज्यादा कम है। तो एक तरीके से बुक वैल्यू में डिस्काउंटेड है। आरओसी आरओई अगर इसका अच्छा होता तो ये ऑलरेडी एक अच्छी मिड कैप कंपनी बन चुकी होती। ठीक, तो डेट टू इक्विटी एक अच्छी चीज़ है कि इसमें डेट काफ़ी कम है, तो 0.1 से अगर कम होता है डेट तो अच्छा ही माना जाता है एक तरीके से। ये मेरा मानना है। ठीक, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो मैं उसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा। ओके, सो अब देख लेते हैं कि वो रैली की वजह क्या थी जो इतना ज़्यादा ये ऊपर जा रहा था। आप यहाँ से देख सकते हो क्वार्टर वाइज क्या हुआ था एक्चुअली, कि जो पहले 0.20 का इसका करोड़ का प्रॉफिट था वो अचानक से डबल हो गया, विच इज 0.50 करोड़ हो गया, एंड वो भी डबल हो गया। तो अगर 6 महीने में इसके प्रॉफिट 5 टाइम्स हो सकते हैं तो इसका प्राइस क्यों नहीं हो सकता 5 टाइम्स? तो वही यहाँ पे हुआ भी। बट अब क्या हो रहा है, लोअर सर्किट क्यों लग रहे हैं, 34 के लेवल से ये वापस इतना ज़्यादा नीचे क्यों गिर चुका है जो कि 12-13 के लेवल है। तो आप यही देख सकते हो कि इसके प्रॉफिट वापस आधे हो गए एंड उसका भी आधा हो गया, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ दिख रही है। तो ये कंपनी ऐसे ही रहती है, इनका कोई भी स्टेबल प्रॉफिट नहीं रहने वाला है। ये इनका जब प्रॉफिट डबल हो जाएगा तो प्राइस डबल हो जाएगा, जब प्रॉफिट आधा हो जाएगा तो प्राइस तो एकदम ही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें प्ले करने के लिए। नाउ और नीचे आ जाते हैं, उसके ईयरली प्रॉफिट्स देख लेते हैं। सो गाइज, ये हैं इसके ईयरली प्रॉफिट्स। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये है क्या, 1-1, 1-1, 1-1, ये इसके करोड़ में प्रॉफिट है और ये इसके लॉसेस हैं। ठीक, तो कंपनी इतने टाइम से 1 करोड़ प्रॉफिट 1 करोड़ लॉस यही कर रही थी, बट यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे इसने पहली बार लॉस से सीधे प्रॉफिट में नहीं गई, लॉस से एकदम नो लॉस नो प्रॉफिट में आई, एंड उसके बाद इसने प्रॉफिट करा। उसके बाद भी कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया था, क्योंकि यही पहले भी चल रहा था, लोग यही सोच रहे थे कि अब -1 हो जाएगा, बट इसने 1 का 2 कर दिया। ठीक, डबल हो गया इसके प्रॉफिट्स। एंड अभी जो इसका 3 क्वार्टर का प्रॉफिट है वो आपको 2 करोड़ दिख रहा होगा, इसमें 1 क्वार्टर और ऐड होना है। तो अब इसका क्वार्टर कैसा आता है कैसा नहीं आता है वो तो हम लोग को बाद ही में पता चलेगा जब 4th क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे। बट स्टिल अगर आप लोग को प्ले करना है एज अ टेक्निकल, तो टेक्निकल में मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ, स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश मुझे दिखा है और हो सकता है कि डबल बॉटम बनाए, एंड अगर डबल बॉटम बनाता है तो हो सकता है कि इसके क्वार्टरली के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो भी अच्छे हैं, क्योंकि टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स एक साथ चलते हैं हमेशा, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। बट इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेना है कि नहीं, वो चीज़ आपको पता चलेगी इसकी लाइबिलिटीज़ देख के। कंपनी का प्रॉफिट तो अच्छा नहीं है बिल्कुल, ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, कंपनी का पी रेशियो भी खराब है, तो दो चीज़ें तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी हैं। अब इसमें आ जाते हैं कि डेट कितना है कंपनी पे। आप देख रहे हो डेट ऐसे बढ़ रहा है जैसे किसी अच्छी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हो। ठीक, तो यहाँ से एकदम डेट मतलब 2 गुना 2.5 गुना हो चुका है यहाँ से डेट, और ये डेट कम होने का नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट करेगी कैसे अगर उस पर डेट पे इंटरेस्ट ही उसको देना पड़े इतना ज़्यादा। ठीक, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर सकता इस कंपनी को एटलीस्ट। और इसका वो देख लेते हैं हम लोग एक बार कि होल्डिंग पैटर्न कैसा है। ठीक, तो कंपनी का जो प्रोमोटर्स हैं उसका 32% प्रोमोटर्स के पास है कंपनी का, और उसके बाद आप देखो कि पब्लिक की होल्डिंग क्या है। कैन यू बीट दिस, ऐसी होल्डिंग आपको मिल सकती है किसी कंपनी में पब्लिक्स की? मतलब ये लोगों की होल्डिंग है, जो रिटेलर लोग हैं और भी जो थोड़े मोड़े लोग हैं, वो इन्वेस्टर नहीं जिन्हें रिटेलर्स ही में कहा जाता है, जो लोग 2 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उनकी इन्वेस्टिंग आप देखो 68% है। तो ये कंपनी रिटेलर्स ही के पास है पूरी की पूरी। तो ये कंपनी को इजिली ऑपरेट करा जा सकता है, जो भी इनमें ऑपरेटर होंगे वो अच्छे से इस कंपनी को ऑपरेट करते हैं, एंड आप लोग को ऑपरेटर्स ही को फॉलो करना है। ठीक, आपको इसके फंडामेंटल्स के पीछे तो बिल्कुल नहीं भागना है। लॉन्ग टर्म के लिए इसका क्या फ्यूचर है मुझे नहीं पता सीरियसली, क्योंकि अभी इसमें कोई प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिख रही, मैं आपसे कैसे कह दूँ कि इसे जाके खरीद लो। सो मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक एकदम ही गलत चॉइस होगी आपकी अगर आपको लेना है तो। एंड फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है तो आप इसकी कुछ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। वैसे भी अगर आप इसमें आपके पोर्टफोलियो का 1% डाल दोगे और वो आगे चल के 0 भी हो गया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बाकी स्टॉक्स मैंने जो आपको बताए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपने वो लेके रखे होंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं होने वाले हो स्टॉक मार्केट में, ऑलराइट, इन अ लॉन्ग टर्म। अब इसमें देख लेते हैं कि आपको करना क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखी होगी कि यार यहाँ पे भी तो डबल बॉटम बना था, तो यहाँ पे क्यों नहीं बोला निकलने बाई करने के लिए। तो मेरे भाई, मैंने हमेशा कहा है कि ईएमएस के पास में बाइंग करने का सोचो, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा होता है। ठीक, अब ये जो प्राइस था ये था ईएमए के नीचे, आई एम सॉरी फॉर द डॉग्स। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो ये प्राइस है ईएमए के एकदम पास। ठीक, यहाँ पे आप कर सकते हो कि ये नीचे आया, देन हल्का सा ऊपर जैसे अभी गया है, वापस 200 ईएमए पे आता है, आप यहीं अपनी पोजीशन बना सकते हो तुरंत जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो ठीक, उसी ग्रीन कैंडल में आपको पोजीशन बनानी है एंड उसी के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख देना है।
ठीक, तो अगर 200 EMA भी ब्रेक कर देता है एंड ये सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है तो कोई फायदा नहीं है इस स्टॉक में बने रहने का, भले ही आप 1 लाख डालो या 10,000 डालो, ठीक, आपके पैसे होने बर्बादी हैं अगर इसने सपोर्ट तोड़ दिया तो, क्योंकि बहुत टाइम तक हो सकता है कंसोलिडेशन चलता रहे, हो सकता है साल भर चले, हो सकता है 2 साल चले जैसे पहले चल रहा था, भले ही ये जीरो नहीं होगा ऊर्जा, लेकिन क्या भरोसा क्या हो जाए इस स्टॉक के साथ, ठीक। तो आपको अगर अपना पैसा और अपना टाइम बचाना है तो जैसे मैंने आपको बोला है वैसे ही आप खरीदना, और अगर आपने स्ट्रेटेजी नहीं देखी तो आप ऊपर यहाँ पे वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक, मैंने डाल दिया है। अब इसकी एक बार हम लोग देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। सो आई नो कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, बट आप लोग को दिखाना ज़रूरी है कि ये कंपनी है किस फील्ड में। सो ये है सबसे पहले तो एक सोलर पावर कंपनी है, ठीक, और ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, डिज़ाइन प्रोवाइड करती है जो भी कंपनीज होती हैं, जो ग्रुप्स होती हैं सोलर उनको, ठीक। अब इसमें एक चीज़ आप देख सकते हो कि ये फोकस कहाँ कर रही है इस समय, जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक, ये स्कूटीज़ हो गई, कार्स हो गई, ऑटोज़ हो गई, ये सब कुछ, और सोलर जो पावर हो गए उन पे ज़्यादा इसका फोकस है। तो ये एक तरीके से फ्यूचर बेस्ड कंपनी है, क्योंकि आगे अगर ये सब ज़्यादा बढ़ेगा तो इस कंपनी का फ़ायदा हो सकता है। बट इसमें और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लाइक एक आपकी SW सोलर हो गई, और सोना कॉम्स हो गई, और आपकी बोरोसिल रिन्यूएबल्स हो गई। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर उसके सामने इस कंपनी को टिकना है तो इसका डेट कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो अगर आगे चल के होता है तब हम लोग आगे इस पर एक और वीडियो बना लेंगे, बट अभी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल मेरी तरफ से ना है इस कंपनी के लिए। एंड आप अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आप देख सकते हो मैंने क्या बताया। तो तब तक के लिए गाइस गुड नाइट, और टाइम काफ़ी हो चुका है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे पहली बार हो या आप बार बार देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।